यूट्यूब पर हर कोई चाहता है कि उनके भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़े और बहुत ही जल्दी बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मेरा थंबनेल तो देख ही चुके हो, एक मंथ में 1 लाख सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर चुका था। फिर अचानक से मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण अब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आप भी जानते हैं ये मेरा थर्ड चैनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरा फर्स्ट चैनल है एजाज इंजीनियर, जो कि 1500 मेरे जो वीडियोस थे मैंने पुट कर चुका था। 1500 में से 1000 वीडियोस मैंने डिलीट किया और ये जो 500 वीडियोस है ये मैंने एक मंथ में जल्द से जल्द कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरा अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो गया तो मुझे कॉपीराइट लग गया था, जिसके कारण मुझे वीडियोस डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें सब्सक्राइबर जो दिखाई दे रहे 3,85,000, इसमें के 1 लाख जो सब्सक्राइबर है मैंने सिर्फ एक मंथ में कवर किया था। मैंने ऐसे कौन सी ट्रिक्स लगाया था वही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है। और भाई जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, वो भी यही कहते हैं। यहाँ पर मैं अगर दूसरा चैनल में आपको बात करूँगा एजाज इंजीनियर फेसबुक पे, इसमें मुझे 1,53,000, जिसमें 700 से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और उसमें मैं कुछ भाई पहले जो वीडियोस अपलोड करता था वो अलग करता था, अभी मैंने थोड़े से चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अगर बताऊँगा वीडियोज़ पर जाऊँगा तो देखिए वीडियोज़ है, उसके साथ साथ अगर मैं पॉपुलर पर जाऊँगा तो देखिए पहले मैंने एक वीडियोज़ डाउनलोड किया था जो कि 4 साल पहले अपलोड कर चुका था, जिसमें 38 लाख, जो कि मैंने डिलीट नहीं किया है, 38 लैक्स इसमें व्यूज़ आ चुके थे। टिकी ऐप से रिलेटेड 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख, यानी मतलब जो जो पॉपुलर वीडियोज़ थे हमारे वो मैंने जो भी अपलोड किया वो टिकी ऐप से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड किए थे। और आपको भी पता है टिकी ऐप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंडिया मार्केट में अपनी जगह बना लिया था और बहुत पैसा भी दे रहा था, 5-5 करोड़ का फंड कर रहा था क्रिएटर्स को, ठीक है। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाए थे। जब से ये बैन हुआ है मेरा अकाउंट अचानक से डाउन होना स्टार्ट हुआ, अब मैंने चेंज किया, अब मैं उसमें जो वीडियोस बना रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। और जो मेरा थर्ड चैनल है इसमें भी मैंने भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। ये थर्ड चैनल में पहले मैं क्या करता था, जो वीडियोस बनाता मान के चलिए पॉपुलर है पब्लिक, और इसमें मैंने कुछ कुछ प्राइवेट भी किया है, ठीक है। प्राइवेट में जस्ट हैदराबाद का से रिलेटेड वीडियोज़ है, और जो मैंने पब्लिक किया पहले जो मेरे वीडियोज़ थे, यहाँ पर आप चेक करेंगे मोज ऐप से रिलेटेड ही वीडियोज़ थे, जिसमें 12,000 5,000 2,000 4,000 14,000 इतने ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मेरे इसमें। पर मैं क्या कर रहा हूँ अब देखिए 11,000, इसमें भी अब मैं क्या कर रहा हूँ चेंजेस कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहला जो मेरा चैनल था उसमें ही मैं एम एस टकरक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता था, जब उसका नाम एम एस टकरक था। जब से मोज हो गया अब मैं इस पर वीडियोज़ बनाता था, अब ये ऐप भी बेकार हो गया है, कोई काम का नहीं है, तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, स्विच कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया तो वीडियोज़ में बहुत ही कम व्यूज़ आने लगे। अब जैसे कि स्टार्टिंग में ये मान के चलिए मैंने वीडियोज़ बनाया है 100, 40, 67, 90, फिर 101, फिर 71, फिर 31, इस तरीके से क्या हो रहा है धीरे धीरे इसमें भी व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो गए। पर मेरे जो जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए हॉरर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेजेडी भी थी। तो उसमें क्या था, जो मेरा पहला चैनल था उसमें आपको भी बताऊँगा टिकटॉक से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता था, ठीक है। टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर इंडिया में, जब नए नए लोग मोबाइल्स खरीद के वीडियोज़ बनाना चाहते थे और शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते थे, वो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हर कोई जानता था, वो था टिकटॉक। तो टिकटॉक पे मैं पहले वीडियोस बनाता था, मैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। फिर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया कि इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं टिकटॉक पे, फेमस हो सकते हैं, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, तब अचानक से 1 महीने के अंदर मुझे इतने ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया था, जिसके कारण मेरे 1 लाख से थोड़े से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर गेन हो गए थे। फिर अचानक से टिकटॉक जब बैन हुआ है तब से मेरी आईडी में प्रॉब्लम ही क्रिएट होने लगी। फिर स्नैक्स वीडियोस भी आया था, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना रहा था, उसके बाद एम एस टकाटक आया था उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए, फिर टिकी ऐप्स भी हो गया था, फिर उसके बाद ट्रेंडो ऐप्स, अब जाके मैंने जस्ट स्विच किया इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ पहले चैनल पे, ठीक है। तो आपको मैं हमेशा कहूँगा गलती आपको क्या नहीं करना है, जब भी आप नीश सिलेक्ट कर रहे हैं तो भाई वही नीश से रिलेटेड आपको वीडियोस बनाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब सिलेक्ट किया, अब इसमें कुछ भी हो जाए मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊंगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके से आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, और आपके पास पिन कोड आएगा, किस तरीके से आप एडसेंस गूगल एडसेंस उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैंने जस्ट चेक किया था यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखा हूँ मैंने जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके कारण मेरा कहने का मतलब भाई सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको पूरे वीडियोस दिखाई देने लग गए होंगे, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ लेकर आपको YT स्टूडियो। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो थर्ड चैनल है सेकंड चैनल, उसमें 1,10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर चैनल ग्रो नहीं होता। कुछ अचानक से मैंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण यहाँ पर मैं क्लिक करो तो देखिए 4,000 से अचानक से 5,000, मतलब व्यूज़ बढ़ ही रहे। और मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, जो जो चीज़ सही रहती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हाँ, अगर मैं यहाँ पर आपको शो भी करूँगा 90 डेज़ का, तो देखिए डाउन चलेगा कुछ, ये देखिए डाउन चल रहा था, अचानक से वायरल हो फिर नीचे, फिर अचानक से वायरल। और 365 डेज़ का मैं बताऊँगा तो
ये देखिए ऊपर था फिर नीचे डाउन हो गया, यहाँ तक डाउन चल रहा है, मतलब एक साल के अंदर ऊपर था स्टार्टिंग में मेरा मई तक, फिर अचानक से डाउन हो गया। अब दोबारा मुझे इस पर ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि टीके बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वायरल हो रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, अचानक से वो भी बैन हो गया। यहाँ पर मैं आपको वॉच टाइम में बताऊँगा तो वो भी जस्ट बढ़ रहा है। अब मेरे सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम, मतलब 172 बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, वरना पहले ऐसा था। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको फिर से शो कर देता हूँ 365 डेज, तो देखिए यहाँ पर आपके एक एक दिन में मेरे सब्सक्राइबर 190 बढ़ रहे थे, फिर यहाँ पर अचानक से करेंगे तो 67 एक एक दिन में, आप चेक करेंगे तो बहुत ही कम आपके भाई सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर मैंने जस्ट उनसे पूछा हूँ, मेटा AI मेरा भाई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हाउ टू गेट 1 लाख सब्सक्राइबर इन 1 मंथ, एक मंथ में आप 1 लाख सब्सक्राइबर किस तरीके से गेन कर सकते हैं। इन्होंने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही ट्रिक बताया जो कि मैंने इस्तेमाल किया था। कंटेंट क्वालिटी, जो भी मैं क्वालिटी बनाता था, वीडियो क्वालिटी काफ़ी ऑसम होती थी, मतलब क्लियरिटी देखते थे, उसके साथ साथ एंगेजिंग बहुत अच्छे रहते थे मेरा, मतलब एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ता था, एंगेजिंग कंटेंट बनाता था, लोगों को जो चीज़ें पसंद आए, ठीक है, तो कंटेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती थी और मैं कंसिस्टेंट रहता था। डेफिनेटली भाई 8 बजे मेरा वीडियोज़ आना है तो आना ही आना है, तो मैं क्या करता था, कंसिस्टेंट अपलोड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज डाली, मैं हफ्ते में 7 वीडियोज डालता था, क्योंकि हर दिन मुझे कंटेंट डालना पड़ता था, कुछ अपडेट आ जाते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता था, वो चीज़ें। ऑप्टिमाइज्ड वीडियोस, रिलेवेंट टैग डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करता था, हैशटैग भी लगाता था, जो मुझे लगता था ये सर्च सबसे ज़्यादा किए जाएंगे, तो उससे सर्च करने पे मेरे वीडियो सबसे टॉप पर दिखाए जाते थे, जिसके कारण मेरी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। थंबनेल्स आई कैचिंग थंबनेल्स ही बनाते थे, जैसे कि मेरे जितने भी थंबनेल्स आपने देखे होंगे सब आई कैचिंग रहते हैं, मतलब जिससे आपको लगता है कि भाई हाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन हमें इनके अकाउंट्स पर मिलेंगी। ओके, प्रमोशन तो मैंने जस्ट बहुत कम किया, मतलब जिसके अपनी वीडियोज़ को प्रमोट, ठीक है, जो वो रहते हैं, बाकी किसी और का प्रमोशन आता तो उस टाइम पे भी किया था, पर अब मैंने प्रमोशन करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। कोलैबोरेशन, हाँ, अदर यूट्यूबर्स के साथ, जो कि मैंने नहीं किया है, फिर भी मैंने गेन किया क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा था, अप टू डेट था, ठीक है, टिकटॉक सबसे ज़्यादा चल रहा था, लोग उस पर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसके कारण मैंने उसी पर वीडियोज़ बनाई, जिसके कारण मेरे वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, व्यूज़ मतलब भाई लोग और ज़्यादा मेरे अकाउंट्स पर आए, इसके कारण वो सब्सक्राइब करते थे, तो इसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख बढ़ चुके थे, 3 लाख में से 1 लाख तो उसी के है भाई, और बाकी 2.5 लाख जस्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम की वीडियोज डाल डाल के गेन किया हो। एंगेजमेंट, हाँ एंगेज भाई, आप अपने जो भी कमेंट्स आते थे, मैसेज आते थे, उनका रिप्लाई कीजिए, मतलब एंगेज कीजिए, इंटरफेरेंस कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, गिव अवे जस्ट मैंने 1-2 बार किया था, उसके बाद बंद कर दिया था। पेड एडवर्टाइजिंग वो भी नहीं किया था मैंने, ठीक है, पेड एडवर्टाइजिंग से भाई वॉच टाइम तो आपका बढ़ेगा, पर वॉच टाइम इंक्लूड नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो कोई मतलब का नहीं। एनालिटिक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड, हाँ, और मैं YT स्टूडियो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जिसके कारण मुझे एनालिटिक्स का पता चलता था कि भाई कौन से वीडियोस मेरे अच्छे से ग्रो कर रहे, कौन से नहीं कर रहे, कौन से मेरे ऑडियंस को वीडियोस देखना पसंद है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता था, दूसरे वीडियोस नहीं बनाता। रिमेंबर ग्रोइंग ए चैनल टू 1 लाख सब्सक्राइबर रिक्वायर है लॉट्स ऑफ एफर्ट डेडिकेशन, भाई मुझे ऐसा है कि अभी एक टाइम का खाना नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, पर मैं एक टाइम का वीडियोस बनाए नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा डेडिकेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने में। क्रिएटिविटी, हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल करता था, पर अभी मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, तो उसके कारण आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ, उसके कारण वीडियोज़ कभी कभी लेंदी हो जाता है और नॉर्मली वीडियोज़ रहता है और ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। विथ परसिस्टेंट एंड हार्डवर्क यू कैन अचीव योर गोल, भाई और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी, जिस तरीके से मैं हार्डवर्क करके 3-3 चैनल चला रहा हूँ, आप भी एज ए यूट्यूबर बन सकते हैं, जिसके कारण आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे मैं YouTube से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। कंसिस्टेंट रहिए, सबसे पहले तो नीचे डिसाइड कीजिए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उससे रिलेटेड डेली वीडियोज डालते रहिए, डेफिनेटली विद इन ए मंथ, हाँ, अगर आपको मेहनत अच्छा करना आता है तो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूर करना। ओके, तो इसे करते हैं बंद, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शुरू करना चैनल आजाद इंजीनियर ऐसे बड़े स्मार्ट बनाते रहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।